नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल में। आज की हमारी बातचीत का जो विषय है वो ये है कि कैसे अपने गुस्से को एक सही रूप में ढालें। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो अगर एक बार निकल जाए तो वो पूरा विनाश करके ही शांत होता है। गुस्सा किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता, लेकिन गुस्से को हम एक धधकते लावे की तरह या उबलते लोहे के प्याले की तरह समझ सकते हैं। इसका रूप बस परिवर्तन कर दीजिए, इससे विनाश की जगह विकास भी हो सकता है। एक तीव्र गति से बहते हुए झरने को अगर आपने दिशाहीन करके किसी गांव की तरफ मोड़ दिया तो वो गांव डूब जाएगा, नदी नाले उफान पे आ जाएंगे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन उसी बहते हुए तेज रफ्तार पानी को एक संतुलित असमुचित रास्ता देते हुए अगर आप टरबाइन की ओर घुमा दें तो पूरा गांव रोशन हो जाएगा। यहाँ पे गलती बहते हुए आवेग के साथ बहते हुए पानी की नहीं है, बल्कि गलती है दिशा की, किस रूप में आप उसे ढाल रहे हैं। वैसे ही अगर आप अपने गुस्से को किसी दूसरे व्यक्ति पे निकालने के बजाय उससे कुछ आवश्यक कार्य में लेके जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। आज की कहानी लगभग 20 से 25 साल पुरानी है। एक छोटे से कस्बे में 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा रहता था। इस कहानी में कहीं भी उसकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर बातचीत नहीं हो रही है। कहानी एक घटना पर आधारित है जिस घटना ने उसके जीवन को बदल करके रख दिया। 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा फ्यूचर के बारे में क्या ही जानता होगा और क्या ही उसको अपने भविष्य के बारे में विशेष प्लानिंग करके रखी हुई होगी। वो बच्चा ना तो पढ़ने में बहुत होशियार था, ना ही वो गधा था, एक औसत विद्यार्थी था। औसत होने के साथ साथ दूसरे क्रियाकलापों में, पढ़ाई के अलावा जो भी और एक्टिविटी होती है उसमें बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लिया करता था। अब ये कहना सही है कि वो उसके अंदर एक ऐसी क्षमता थी जिसमें वो दूसरों के साथ बात कैसे करना है, कैसे बातों को रखना है, सबके भीड़ के आगे आकर के कुछ प्रोग्राम में भाषण वगैरह कैसे देना है, वो ये जानता था। लेकिन उसकी जो क्षमता थी वो उसे उस प्रस्कूल से बड़ा तो बनाती थी, बट इतना भी नहीं कि पूरे कस्बे में उसको सबसे श्रेष्ठ बना दे। तो वो उस क्लास का एक, कह सकते हैं कि सबसे ऊपर दर्जे का वक्ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई प्रोग्राम की खबर फैली। ये प्रोग्राम लगभग कस्बे में साल में एक बार हुआ करता था, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, जिसे हम युवा महोत्सव कहते हैं। चूंकि वहाँ पे उस स्कूल में केवल वही एक ऐसा लड़का था, बच्चा था, बालक था, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, जिसे बोलने में महारत हासिल थी, तो उनके शिक्षकों ने बिना उसे पूछे या उसे बताए उसका नाम एक वाद विवाद, जिसे हम डिबेट कहते हैं, उस प्रोग्राम के लिए भेज दिया। अब ये जानकारी उस बच्चे को बताई कि आपका नाम हमने इस एक्टिविटी के लिए भेज दिया। भले ही वो बच्चा पूरे स्कूल में सबसे अच्छा बोलता था, पर जैसा मैंने कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सर्वश्रेष्ठ वक्ता ही था। तो आखिरकार चूंकि उसके शिक्षकों ने उसका नाम भेज दिया, वो तैयार हो गया। लेकिन वाद विवाद की प्रतियोगिता उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसे ये पता ही नहीं था कि वाद विवाद में भाग कैसे लिया जाता है, बोला कैसे जाता है, पक्ष में बोला जाना चाहिए या विपक्ष में बोला जाना चाहिए, इससे उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने सोचा कि शायद ऐसा होता होगा कि स्टेज पे बुलाएं और स्टेज पे बुलाने के बाद आपको बोला जाए कि आप पक्ष में बोलो या तो फिर आपको बोला जाए कि विपक्ष में बोलो, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा वो सोचता था। उसने इसी की तैयारी कर ली, यानी कि पक्ष के लिए भी तैयारी कर ली और विपक्ष के लिए भी तैयारी कर ली। पक्ष के संदर्भ में भी कुछ पॉइंट्स लिख लिए, विपक्ष के संदर्भ में भी कुछ पॉइंट लिख लिए। अब चूंकि उसके जीवन का ये पहला मौका था कि उसे अपने स्कूल से बाहर कस्बे के लेवल पे, तहसील के लेवल पे बड़े बच्चों के साथ फाइट करना था, कॉम्पिटिशन करना था, तो उसके अंदर जिज्ञासा के साथ साथ कौतूहल भी कूट कूट करके भर गया और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि कब मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले पाऊँगा। प्रतियोगिता का दिन आया, समय आया, उस तहसील से संबंधित सारे विद्यालय के बच्चे एक जगह पर एकत्रित हुए जहाँ पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। चूंकि वो एक ऐसे स्कूल से बिलोंग करता था जो छोटा सा था, उससे बड़े स्कूल और भी उपलब्ध थे जो नामचीन भी थे, जिनके नाम भी फेमस थे,
तो सबसे पहले इंतज़ार करते 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 बड़े बच्चों को, बड़े स्कूलों को पहले मौका दिया। सुबह के 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ था, प्रोग्राम आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, उस बच्चे का इंतज़ार भी बढ़ता गया, कौतूहल भी बढ़ता गया, गुस्सा भी बढ़ते गया, थकावट भी बढ़ती गई, और वो बस इंतज़ार करता रहा कि आखिर कभी तो उसका नाम या उसके स्कूल का नाम पुकारा जाएगा और उसे स्टेज पर जा करके अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा। एक 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 करते करते बड़े स्कूल के बच्चे अपनी बात रख करके आते गए, उतरते गए, करते करते शाम होने लगी, 4:30, 5 ये सब बजने लग गया। अब उस बच्चे के मन में बड़ी समस्या थी कि वो क्या करे, वो कहीं जा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर वो गया और उसी बीच उसका नाम पुकार दिया गया तो फिर उसके आने का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई औचित्य नहीं रहेगा। वो ये सोच करके पूरा समय अपनी कुर्सी पर पेटी बांध करके बैठा रहा, लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी उसके सब्र का फल थोड़ा थोड़ा उसको चुभने लगा कि मैं कितना इंतज़ार करूं। उसने बड़ी हिम्मत करके एक बड़े नामचीन स्कूल के शिक्षक से जा करके पूछा, जिसके स्कूल के बच्चे खुद उस प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, और उसने बस ये पूछा कि क्या सर ख़त्म हो गया प्रतियोगिता, या हमारे स्कूल के बच्चों का नाम, मेरा नाम भी पुकारा जाएगा। उस स्कूल के शिक्षक ने कह दिया कि हाँ प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हो। लेकिन उस बच्चे के मन में एक बात कौंध रही थी चिंगारी की तरह कि मेरा नाम तो पुकारा ही नहीं गया तो फिर कैसे प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, जब तक मेरा नाम नहीं पुकारा जाएगा मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। तो वो बच्चा थोड़ा सा और इंतज़ार करने की सोचता है, और फिर इंतज़ार करते करते वो बारी आती है, लेकिन बहुत देर में सबसे आखिर में उसका नाम पुकारा जाता है कि ये फला आप आएँ और अपनी बातों को सामने रखें। चूँकि प्रोग्राम शुरू हुए काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी बच्चे जाकर के अपनी बातों को रख चुके थे, तो उसे इस बात का तो अंदाज़ा था कि स्टेज पे जाकर के आपको अपना अपनी मर्जी का पक्ष रखना है, चाहे तो आप पक्ष में बोलें चाहे तो आप विपक्ष में बोलें। ये जो वाद विवाद की प्रतियोगिता थी वो ग्रुप में ना होकर के इंडिविजुअल एक एक करके हो गई, जैसे सिंपल भाषण देते हैं उसी तरीके से था। अब वो बच्चा स्टेज पे गया, अब उसके मन में ये बात तो तय थी कि उसे क्या बोलना था। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वाद विवाद का विषय क्या था। आपको शायद याद होगा कि कांधार में एक भारतीय विमान का अपहरण हुआ था, उसके बदले में कुछ आतंकवादी को छोड़ा गया था, मसूद अजहर के साथ कुछ और भी आतंकवादियों को छोड़ा गया था, तो क्या उनका छोड़ा जाना उचित था या उचित नहीं था, इस बारे ऊपर में वाद विवाद का विषय था। इंतज़ार करते करते उसका नाम पुकारा गया, बच्चा स्टेज में पहुंचा, उसके गुस्से की भी सीमा अपरंपार हो गई थी, क्योंकि सुबह से इंतज़ार, बिना कुछ खाए पिए इंतज़ार इंतज़ार और बस इंतज़ार कि उसका नाम कब पुकारा जाएगा, उसे कब बोलने का मौका मिलेगा, और ऊपर से ऐसे शिक्षक जो उसको ये बोलते हैं कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया अब आप जा सकते हो। ये बात झूठ तो थी, ये बात साबित तो हो गई थी। इन सब का गुस्सा उसके मन में था, अब उस गुस्से का किस तरीके से निकाला जाना वो उसी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता था। चाहे तो गुस्से में तमतमा करके कुछ अपशब्द बोल करके वो जा सकता था, चाहे गुस्से में उस जगह को छोड़ करके अपने घर या अपने स्कूल जा सकता था, लेकिन उस बच्चे ने ये सोचा कि चलो इस गुस्से का यूज़ कुछ किया जाए। उसने उस विषय के अगेंस्ट में यानी कि विरुद्ध में बात किया। अब विरुद्ध में बात करने वाले तो बहुत कम थे, क्योंकि सबका तो यही मानना था कि 150 लगभग यात्रियों की जान बचाना बहुत आवश्यक है, बल्कि आतंकवादियों को छोड़ दिया जाना चाहिए था। लेकिन उसके अंदर गुस्सा था और समय सीमा बहुत कम, चूँकि मैंने कहा कि आखिरी बच्चा था और उसको समय भी बहुत कम दिया गया, उसको समय में कंक्लूड भी करना था। उसने स्टेज पे जा करके सबसे पहले तो बोला कि मुझे सबसे आखिरी में मौका देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इस आखिरी तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत संयम जगे, मैंने बहुत इंतज़ार किया और सारे इंतज़ार का फल मुझे अब आखिर में मिल रहा है। हालांकि बात उसने कटाक्ष की थी, लेकिन बात उसकी सही थी। फिर उसने कहा कि मैं इस विषय के विरुद्ध में बोलना चाहूँगा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आतंकवादियों को छोड़ा गया था वो सरासर गलत था। उसने अपने गुस्से को सही यूज़ करते हुए अपने हाव भाव, बोलचाल, एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर इनमें रखाया। सातवीं क्लास का, लगभग सातवीं क्लास का बच्चा होगा, उसने इस तीव्रता से, इस लक्षणता के साथ भाषण दिया, वाद विवाद में भाग लिया कि वहाँ पे बड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी देख करके दंग रह गए। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटा बच्चा जिसे हमने कुछ समझा ही नहीं था वो कुछ बोल भी पाएगा स्टेज में इतने भीड़ के सामने, लेकिन वो बोल पाया।
और अगर सच बात बताऊं आपको तो वो शायद इसीलिए बोल पाया क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा था। अगर वो बात नॉर्मल होती, दो तीन लोगों के बाद उसका नाम पुकार दिया गया होता तो शायद वो घबरा करके नर्वस हो जाता या वो उस तरीके से नहीं बोल पाता जिस तरीके से इसने अभी बोला। लेकिन इसका जो गुस्सा था, इसके अंदर जो एक आग लगी थी, उसने उस आग को हावी होने दिया अपने नर्वसनेस में और उसने अपनी पूरी बात रखी। उसकी बात में हर एक पॉइंट में दम था और उसके हर एक पॉइंट ने दूसरों की बातों को पूरा काट के रख दिया, क्योंकि वाद विवाद में तो एक की बात को दूसरा काटता ही है। उसने तैयारी दोनों की थी, पक्ष की थी, विपक्ष की थी, तो उसे हर एक पॉइंट पता था कि पक्ष वाला क्या बोलेगा तो मुझे उसका आंसर क्या देना है, विपक्ष वाला ये बोलेगा तो मैं पक्ष में रहूँगा तो मुझे क्या कहना है। तो उसको पहले से पता था कि मैं अगर ये बोलूँ तो सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला कुछ उत्तर देगा तो मैं क्या बोलूँगा। शतरंज का खिलाड़ी था, एक ही तरीके से दोनों पहलुओं को विचार करके सोच के रखता था। तो इसने इस संयम को धारण किया, अपने गुस्से को एक सही स्वरूप दिया और अपनी बात रख करके आ गया। कहानी खत्म? नहीं, कहानी खत्म नहीं होती है। अब बारी आती है रिजल्ट की। लगभग 3 से 4 दिनों बाद जब सारे प्रोग्राम खत्म हो गए तो बारी आती है उस रात की जहां पे पुरस्कार वितरण होना था। वो बच्चा केवल बाकी लोगों के पुरस्कार वितरण में ये देखने के लिए कि कौन किस में फर्स्ट आता है वो चला गया। मन में कहीं एक कोने में एक भाव तो था कि शायद मेरा नंबर भी आ सकता है, लेकिन उम्मीद उसकी ना के बराबर थी। वो बैठा रहा, एक 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 करके जितने अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई थी, भाषण हुआ था, वाद विवाद, निबंध, चित्रकला, पोएट्री, क्विज कॉम्पिटिशन, रंगोली, अलग अलग जितने भी कॉम्पिटिशन हुए थे सबके विजेताओं के नाम पुकारने लगे। अब बारी आती है वाद विवाद के विनर के बारे में बात करने की। हमेशा आपको पता है कि जब विनर के बारे में बात किया जाता है तो तीसरे से शुरू किया जाता है। उसको तो ये उम्मीद थी कि कहीं उसका नाम तीसरे में तो आ जाए, कम से कम कुछ तो पॉइंट मिल जाए उसे। तीसरा नाम पुकारा गया किसी व्यक्ति का, उसका नाम नहीं था। उसे थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि उम्मीद तो उसे तीसरे की थी, दूसरे और फर्स्ट की तो सोचा भी नहीं था। दूसरे व्यक्ति का नाम पुकारा गया कि दूसरे पोजिशन पर ये व्यक्ति हैं, उसने तो अब हिम्मत ही छोड़ दी। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वापस आने के लिए या फिर अपने दूसरी तरह की एक्टिविटी को करने के लिए, नाम आता है, वाद विवाद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इस बच्चे ने, उसके कदम रुकते हैं। उसको अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि जो उसने सुना है वो सच है या फिर बस अपने मन की बात थोड़ी लाउड स्पीकर में आ गई। लेकिन नहीं, ये बात सच थी। नाम पुकारा गया था, वाद विवाद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 7वीं क्लास के बच्चे पुष्पेंद्र पटेल ने। जी हाँ, ये कहानी मेरी है, ये कहानी मैं आपको अपनी सुना रहा हूँ, मेरी 7वीं क्लास की कहानी है। उस कहानी ने मेरे जीवन में एक अलग सा परिवर्तन ला दिया, जहाँ पे मैंने सीखा कि गुस्से को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। गुस्से को कंट्रोल करने के साथ साथ उसे कुछ ऐसे रास्ते पे ढालना चाहिए, एक ऐसे जगह पे, ऐसे सांचे पे डालना चाहिए जिससे हमें भी फायदा हो। गुस्सा नुकसानदायक है अगर उसका गलत यूज़ करेंगे तो। उस घटना ने मेरे जीवन को पूरा बदल करके रख दिया। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि छोटे से स्कूल का पढ़ने वाला 7वीं क्लास का बच्चा, बड़े बड़े स्कूल, नामचीन पहचाने वाले, बड़े 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 प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पछाड़ करके पहला स्थान भी प्राप्त कर सकता है। ये बात उसके दिल में, मन में घर कर गई और हर बार उसने भाग लेना शुरू कर दिया। ना केवल एक प्रतियोगिता में बल्कि जितने भी प्रतियोगिता में वो बोल सकता था, बोलने वाली चीज़ें, खेलने वाली नहीं, बोलने वाली चीज़ें, उसमें मैंने भाग लेना शुरू कर दिया। वाद विवाद, भाषण, एक्सटेम्पो जिसे तात्कालिक भाषण कहते हैं, गीत कविता पाठ, पोइट्रीज जिसके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में भाग लेना शुरू कर दिया। अब एक प्रतियोगिता का रिजल्ट का इंतज़ार नहीं था बल्कि हर एक प्रतियोगिता के रिजल्ट का इंतज़ार था। अब भगवान के आशीर्वाद और बड़ों के आशीर्वाद से हर बार फर्स्ट 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 प्राइज मिलने लगे। इसने मेरे जीवन के देखने के नज़रिए को बदला। मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप समझ सकें कि ये पहलू मेरे साथ भी होते हैं, बहुतों के साथ भी होते हैं। अंतर बस इतना है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। ये कहानी तो मैं अपने लिए सुन रहा हूँ और अपने आप को सुना रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को वापस से रिकॉल कर सकूँ, और कहीं अगर मैं भटक रहा हूँ, कहीं अगर मैं थम रहा हूँ तो वापस से इग्नाइट हो सकूँ। अपने जितने भी गुण और अवगुण हैं इनको फिर से सामने देख सकूं और उनसे कुछ
सीख सकूं और एज ए टीचर आपको सिखा सकूं। आज की कहानी को बताने के पीछे मेरा मकसद एक और भी है कि अगर आपको कभी गुस्सा आता भी है, कई गुस्से के पहलू हैं, आपको कम नंबर दिए गए, आपके आगे वाले को या किसी दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा नंबर दे दिया गया, भले ही वो आपसे कम अटेंड किया हो, आपसे अच्छा नहीं लिख पाता हो, फिर भी उसको आपसे ज़्यादा नंबर दिया, तो आपके अंदर एक गुस्सा तो आएगा ही। आप अपने टीचर को मन में ही भला बुरा तो कहोगे ही, लेकिन इससे क्या मिलेगा आपको? आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बदले आपको चाहिए कि कुछ और ऐसा करें कि आपके टीचर या आपके जो भी वहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं वो खुद इतने मजबूर हो जाएं कि आपसे बढ़कर किसी और को ना बोल पाएं। ये था आज का कहानी मेरी जुबानी। तो आज की मेरी इस कहानी को सुनने के लिए, इस अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।